जहाँ लिखा हुआ है हिमाचल वैली बसें यहाँ सिर्फ डिजायर में खड़ी है। में खड़े हैं बलम। देखो आप हेलो जी, गुड मॉर्निंग, विश यू अ हैप्पी दिवाली बाय रोहित यंत्रा स्टाइल। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, तो विश यू अ हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली। आज है भैया छोटी दिवाली और फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा अपने दादा के घर जा रहा हूँ, जो मेरा रोज का रहता है हर व्लॉग की स्टार्टिंग में और एंडिंग में। तो पहले वो काम निपटाते हैं, फिर हम अपनी छोटी दिवाली अपने दोस्तों के साथ बनाएंगे। और आज दिन थोड़ा स्पेशल है, तो स्पेशल दिन के लिए थोड़ा एक स्पेशल सा व्लॉग बन रहा है। और आज सच में मेरे लिए तो स्पेशल डे है, वो मैं भी क्यों है वो मैं भी देखते रहे और मैं आपको बताता रहूंगा। सो अभी तक मैं गाड़ी स्टार्ट पता नहीं कब से नहीं हुई, मुझे खुद नहीं पता, तो हफ्ते भर से तो ऊपर हो ही गया है, तो अब स्टार्ट कर ही लेते हैं। अब लगे आज जब यहाँ आ ही गए हो तुम, बिलो एवरेज गाड़ी भाई। इन गाड़ियों के फ़ायदे दिखाऊँ मैं तुम्हें, एक एक में स्टार्ट होगी, नो क्लिक बेट नो कट, अभी आप खुद देख सकते हैं भाई। क्या बोल रहे हो लड़के, ये पेट्रोल पंप बड़ा अच्छा है। हम जा रहे हैं एक सीक्रेट जगह में, रोड देख के तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मेरे आज मुझे पता लगा मेरे फ़ोन का बैक कैमरा मेरे फ्रंट कैमरे से अच्छा है। खैर अभी मैं महंगा लूँगा, मैं यहाँ देखता हूँ। हाँ, तो रोड देख के तो आप पहचान ही गए होंगे कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि व्हाट्स हैपनिंग हियर, ओह माय गॉड। तो मैंने जो आज सुबह अपने व्लॉग में बोल दिया था कि मैं आज इस दिवाली में बहुत खुश हूँ और ये सब आपको पता ही है। और मैं खुश इसलिए हूँ कि आज मेरे पापा अप्रॉक्स कितने महीने बाद आ रहे हैं, 7 महीने बाद आज मेरे पापा आ रहे हैं भाई। और मैं भी अपने पापा को लेने के लिए ऋषिकेश जा रहा हूँ, तो मैं चाहता था कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ आप लोगों को दूँ। और अभी हम रास्ते में हैं और थानों में ही हैं अभी हम, और मेरे पापा का फ़ोन आया कि बेटा तुम जल्दी आओ क्योंकि शाम के टाइम यहाँ हाथी वगैरह आते हैं। तो भाई मैंने अपने मन में सोचा है कि आपके भाई भयंकर है, अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी सारी ठंडियाँ हमने यहीं काट रखी हैं। और अभी जो कैमरे के पीछे वो मेरी बहन है, वो मेरी सारी सुन रही है। खैर तो अभी हम जा रहे हैं और अभी रात को आपको क्या थानों दिखाऊं मैं, बड़ी मुश्किल से तो मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ और अभी मेरी बहन शूट कर रही है। तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं शूट कर रहा हूँ। मैंने कमेंट्स पढ़े कि रोहित भाई तुम गाड़ी चलाते हो, एक हाथ से बाइक चलाते हो और तुम सारे स्टंट करते हो बाइक चलाते हुए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी गाड़ी बहुत प्यार से ध्यान से चलाता हूँ। बस अभी पापा को लेने के लिए जा रहे हैं भाई। तो भैया अभी सब कुछ सही चल रहा है, अभी हम ऋषिकेश के अंदर हैं, बट हमें जो बस अड्डा होता है भैया वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बस अड्डा तो मालूम चल गया, बट एक गढ़वाली बस अड्डा है वो नहीं पता लग रहा, वहाँ मेरे पापा हैं अभी उस टाइम पे। अब कहाँ चलना है अंकल, यहाँ पे गढ़वाली बस स्टैंड कहाँ पे? गढ़वाली बस स्टैंड, यहाँ पे हम बस अड्डे में आ चुके हैं गाइस। और ये मेरे अंदर का गौरव जोन जागते हुए कर बना बस स्टैंड में खड़े हैं बलम। देखो आप हेलो जी, तो कल थी 13 नवंबर और आज है 14 नवंबर, और कल थी छोटी दिवाली और आज है बड़ी दिवाली। तो सबसे पहले तो विश यू अ हैप्पी दिवाली। तो भैया सीन्स कुछ ऐसा है कि सुबह से तो कुछ दिवाली लाइक कुछ होता नहीं है, नॉर्मल बेसिक डे ऐसा लगता है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, नॉर्मल बेसिक डे जैसा ही लगता है। अभी बज रहे हैं 5 और अभी मैंने अपने दोस्त को फ़ोन कर रखा है, मेरी गाड़ी भी आनी है, पहले गाड़ी लेने जाना पड़ेगा, वो बनता है कि नहीं, बट प्लान अभी बता दिया तो मज़ा कैसा आएगा। तो आ जाओ ब्लॉग में बने रहे, आपको प्लान भी पता लग जाएगा। आप
अभी दोस्त को फ़ोन कर दिया है, कब से फ़ोन कर दिया है, वो आया नहीं अभी तक। जाने के लिए मैं चल जाता, मेरी बाइक यहाँ नहीं है, मेरी बाइक दादा के घर पर खड़ी हो रही है, मेरी बाइक यहाँ नहीं है, मेरी बाइक दादा के घर में खड़ी हो रही है। तो अभी इंतज़ार करो, जो करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब तक हम सिम्बा के साथ खेल सकते हैं। जट से दूर पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना, कुछ भी सोचे क्या सोचे कि दुनिया ने दो आजकल। आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से वेटिंग वेटिंग चल रही है, कब आएगा, यही सीन चल रहा है, कब आएगा। ये सब मुझे अंदर शूट करना था, पर अंदर मेरे घर की चली गई लाइट। दो ब्लॉग से भैया, मैं जो अपने ब्लॉग में जो लाइटिंग है ना, उसकी क्वालिटी बहुत लो दे रहा हूँ, और आज भी लो ही रहेगी वैसे, क्योंकि आज दिवाली है भाई। खैर कोई बात नहीं, अगले ब्लॉग की क्वालिटी लो नहीं रहेगी, बहुत आ रहा। 4K में एक्सपोर्ट करूँगा मैं अगला ब्लॉग भाई, बहुत फालतू की बातें हो गई। फिर आ गया मैं। अब थोड़ी इतनी फालतू की बातें कर रही हो तो थोड़ी प्रमोशन भी कर दो भाई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। ये मेरा अपना ऐड है, थोड़ा वीडियो से अपना कीमती समय निकाल के मेरी वीडियो देखते हो तो भाई थोड़ा सपोर्ट भी कर दें तो बढ़िया रहेगा। सपोर्ट कमेंट कर दिया करो, कमेंट से मुझे आपके भाई को बहुत मोटिवेशन मिलती है। खैर अब ऐड ख़त्म, ऐड स्किप भी कर सकते हैं वैसे आप, आपको आपके सारी बकवास करने के बाद मैं भूल गया कि इसका जो माइक होता है मेरे मुंह की साइड रहना चाहिए, वरना ये अपने से पीछे की ऑडियो अच्छे से कैप्चर नहीं करता। तो ये होती है व्लॉग में गलती। अब मैंने देखो कितना बोल दिया, मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा, जो मैं सब बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने अब आपको डिस्क्लेमर दे दिया। क्या हुआ, कहाँ है तू? मैं अभी निकल रहा हूँ बस। भाई कब से निकल रहा है, मैं पता है गेट में खड़ा हो रखा अपने। चल अभी संदू भी तो आ रहा तेरे घर। 45 मिनट बाद दोस्त का फोन आ रहा है कि मैं आ गया, और वो भी कच्ची सड़क से आ रहा है बेवकूफ। संजू चल, ठीक है ठीक। अभी तो घर से नहीं निकला, यहाँ पे वेट हो रहा है नकुल गोलीबाज का, वेट हो रहा है भैया यहाँ पे मस्त एकदम तरीके से। 2000 years later लले कितना आने में टाइम क्यों लगा है, तो भाई ऐसा है हमें लेट इसलिए, घर का काम करने में व्यस्त है, हमें घर की सफाई करनी होती है तभी लक्ष्मी माँ आएगी। अभी भैया बम वगैरह लेना है कुछ, तो ये हमें दिलाएगा क्योंकि ये हमेशा दिवाली में दुकान लगाता है अपनी, है ना। घर यार कैसा खाली लग रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। ये हमारे एक दोस्त का घर था और ये आज खाली हो चुका है। ये हमारे एक दोस्त का घर था, यहाँ के हमने बहुत आवाज़ें लगाई हैं और यहाँ इसे खाली देख के हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये कितनी भयंकर रोड है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, और हमारे दो साथी बिना लाइट के इंडिकेटर जला के आ रहे हैं, और अभी हम रास्ते में अपने, और यहाँ से जो अभी हम दिखाने वाले हैं ना भाई, वो बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत ही खतरनाक। अभी लैंप उड़ेगा हमारा, और व्यू तो आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक छोटा सा बम लगा रखा है, उसके नजारे तो देखने मिलेंगे भाई। दिवाली है, रोज रोज तो आएगी। मिनट बाद तो भाई कौन आएगा, ये वाला खराब निकला जो व्यू है भाई, ये हर कोई नहीं देख पाता यार, ये कैमरे की आंखें नहीं दिखा सकती जो जो आप देख रहे हैं, इतना अच्छा व्यू है भाई। ड्रोन लूंगा यार फटाफट, और ये पर आपका भाई, इन लोगों ने बम लगा दिया है।
मैं क्या कह रहा था, ये क्या कैमरा नहीं दिखा सकता जो हम लोग देख रहे हैं पे, इतना सही नजारा आ रहा है। हमारे साथ भाई लोग हैं, ये अपने भाई हैं, ये सारे लोग भाई भाई होने वाले भाई हैं भाई, इन सबको ऑल द बेस्ट बोल दे। थैंक यू भाई लोगों, तुम्हारी दुआ हमारे साथ है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन पक्का करना, कमेंट भी कर देना। ठीक है फिर मैं जरूर आ रहा। ये अंकल माचिस लेने जा रहे हैं और इनको मिली। अबे तेरे यहां पे बेचारे अंकल थे, वो माचिस, हमने बोला माचिस नहीं हमारे पास, माचिस करवा दो, बट वो आए तब से 10 मिनट हो गए, 5 मिनट से वो माचिस लेने जा रहे हैं बट आए नहीं। हां तो वो भी खुली। हां मैं गया तो भाई, अभी हम आ रहे हैं मंदिर में और यहां पे हम मस्त पूजा वगैरह करेंगे। करके एकदम मजा आ गया और एकदम माइंड ना पूरा फ्रेश हो गया, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी चलेगी। एंड थैंक्स टू नकुल जिसका ये प्लान था मंदिर जाने का मेरे बेटे का। तो भैया बहुत हो गया दोस्तों के साथ दिवाली सेलिब्रेट, अब कुछ घर वालों के साथ भी करते हैं। दो दोस्तों ने तो पहली गोली भी दे दी। बहुत बुरी वाली गोलियाँ पड़ी आज भाई की, हम भूल नहीं सकते उस गोली को, सच में रिकवर नहीं हो सकती वो गोली भाई, सही में मैं भी नहीं भूल सकता उस गोली को। ओ अल्ट्रा लेजेंड वाली गोली मिली है भाई हमें, हम दोनों को। वो आपको ब्लॉग में दिख ही जाएगा कैसी गोली मिली है। बैठ जा बैठ जा, अगर मेरा मन करा तो एंड में भी आपको बता भी दूंगा। अलग और मेरे कुत्ते के लिए अलग बकवास हो रही है, इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है ऐसी कि इसके सामने कोई पटाखा फोड़ दे, और ये बहुत कैमरा कॉन्शियस भी है, इसके सामने कोई फोन भी नहीं चला सकता कैमरा। Okay.